लिए जेजेपी के साथ बीजेपी का समझौता पूरा हो चुका है। और भाई बता दें आपको कि दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम बनाने का प्रस्ताव भी पास हो चुका है, सूत्र फिलहाल ये कह रहे हैं। हालांकि जेजेपी ने कई शर्तें रखी थी गठबंधन के लिए और मुख्यमंत्री पद की मांग की थी, लेकिन फिलहाल क्या कुछ बातचीत हुई दलों के बीच में, इसके बाद जेजेपी डिप्टी सीएम के पद को लेकर मान गई है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि मंत्रिमंडल में भी जेजेपी को जगह दी जाएगी और जेजेपी विधायक दल की यह तस्वीर आज सुबह सभी के चेहरे खुश खिलखिलाते हुए और विक्ट्री साइन दिखाते हुए सभी ने फोटोज खिंचवाई और सभी खुश नजर आ रहे हैं। दुष्यंत चौटाला, नैना चौटाला, निशांत सिंह और सभी विधायक दल, दिल्ली में जेजेपी की भी आज बैठक हुई। तो चलिए, सरकार बनाने की जद्दोजहद हर दल हरियाणा में इस वक्त कर रहा है। हालांकि बीजेपी ने अन्य जो निर्दलीय उम्मीदवार थे उन सभी को साधने के बाद बहुमत का जादुई आंकड़ा तो पार कर लिया था, लेकिन अब बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि निर्दलीय विधायकों के साथ साथ जेजेपी को भी भारतीय जनता पार्टी साध रही है। हालांकि सीधे न्यूज रूम का रुख करेंगे, ज्यादा जानकारी के लिए लिविंग इंडिया न्यूज संवाददाता प्रहलाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रहलाद, हालांकि सभी जद्दोजहद कर रहे हैं सरकार बनाने के लिए, कांग्रेस भी यही पहल कर रही थी कि खट्टर सरकार को हरियाणा से बाहर करने के लिए सभी दलों को एकजुट होना चाहिए, लेकिन अब जेजेपी और सभी निर्दलीय विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ निकल कर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, अभी कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो जेजेपी के नेता उनसे मुलाकात करेंगे और ये तकरीबन साफ होता जा रहा है कि हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी मिलकर गठबंधन सरकार बना रही है। इसके साथ साथ ये भी सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है कि दुष्यंत चौटाला को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा दो मंत्रालय भी जेजेपी के नेताओं को मिल सकते हैं। सो जो हरियाणा की राजनीति में सबसे बड़ी जो सियासी पहल चहल कदमियां चल रही है उसको लेकर ये साफ होता नजर आ रहा है कि हरियाणा में जेजेपी और बीजेपी दोनों मिलकर गठबंधन सरकार बना रही है। हालांकि इससे पहले जो निर्दलीय उम्मीदवार थे, कैंडिडेट थे, जो जीत हासिल की है जिन्होंने इन चुनावों में, उन्होंने भी अपना समर्थन बीजेपी को दिया है। लगभग ये तय हो गया था कि जो बीजेपी जो सरकार बनाने जा रही है हरियाणा में, अब जेजेपी ने जो अपना दाव हालांकि प्रहलाद अगर बात करें तो जोड़ तोड़ की तो बीजेपी के पास 40 सीटें हैं और अन्य विधायकों को साधने के बाद बहुमत जितना सरकार बनाने के लिए बीजेपी को चाहिए था वो पूरा हो गया था, लेकिन इसके बाद भी जेजेपी के 10 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ लेकर आ रही, क्या मायने हैं इसकी हरियाणा की राजनीति में? जी बिल्कुल, जिस तरह देखने को मिल रहा था कि अटकलें पहले ही लगाई जा रही थी कि दुष्यंत चौटाला ने जब बैठक की अपने विधायकों के साथ, उसके बाद उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि वो अगर सत्ता में रहेंगे तो ही वो किसी पार्टी को समर्थन करेंगे। ऐसे में अगर सरकार जो बीजेपी की बनने जा रही है लगभग तय हो चुका है तो उसके साथ साथ जेजेपी भी अपना समर्थन जो है बीजेपी को दे सकती है। सो साफ तौर पर यह क्लियर होता जा रहा है कि हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी दोनों मिलकर सरकार बना रही हैं और कई औहदे जो है वो भी जेजेपी के नेताओं को मिलने वाले हैं। अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और क्या किस तरह से जो जेजेपी के नेता हैं या दुष्यंत चौटाला उनको लुभाने में कामयाब हो पाते हैं। इसका नतीजा थोड़ी देर बाद जो मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे जेजेपी नेताओं से, तो अब तक की जो सबसे बड़ी जो खबर सामने आ रही है वो यही है कि दिल्ली में बीजेपी और जेजेपी की बैठक होने जा रही है और ये फैसला लिया जाएगा कि किस तरीके से सरकार को बनाया जाए और क्या क्या जो मंत्रालय हैं या उप मुख्यमंत्री की अगर पेशकश रखते हैं दुष्यंत चौटाला तो किस तरह उसको मैनेज किया जाएगा। जी प्रहलाद, बने रहिए आप हमारे साथ। दिल्ली से लिविंग इंडिया न्यूज संवाददाता मनीषा भी जुड़ गई हमारे साथ। मनीषा, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि समझौता जो सरकार बनाने को लेकर हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के बीच भी पूरा हो गया है। देखिए, राजनीति में अनिश्चितताओं का दौर चलता ही रहता है, कुछ भी हो सकता है और किसी भी बातचीत से अभी पूरी तरीके से उसका खंडन किसी भी नेता की ओर से या किसी भी पार्टी की ओर से नहीं किया गया है। जिस तरीके से पहले भी तस्वीर सामने आ रही थी कि जेजेपी के साथ गठबंधन हो सकता है, आज जब दुष्यंत चौटाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उनकी ओर से यह कहा जाता है कि तमाम जो एजेंडे हैं उनकी ओर से जब रखे जाएंगे, जो पार्टी उन एजेंडों पर चलेगी तब उसको समर्थन
खोला जाएगा, यानी कि अपने जो दरवाजे हैं वो बीजेपी की ओर से खुले रखे गए हैं दुष्यंत चौटाला की ओर से। तो वही अब अगर बात बीजेपी की कर ली जाए, क्योंकि 40 सीटें ही बीजेपी के पास है और सीटें चाहिए, ये खबर भी निकलकर सामने आती है कि तमाम जो निर्दलीय विधायक है उनकी ओर से बीजेपी को समर्थन दिया जा चुका है। अभी भी अनौपचारिक एक मुलाकात सीएम ने तमाम जो पत्रकार है दिल्ली के उनके साथ की थी, तब सीएम की ओर से यही बयान सामने आया अनौपचारिक तौर पर कि सभी की ओर से जितने भी 7 निर्दलीय विधायक है उनकी ओर से जो समर्थन है वो दिया जा चुका है और लिखित में समर्थन जो है वो दिया जा चुका है। अब जिस तरीके से गोपाल कांडा का नाम भी सामने आ रहा था, अभय चौटाला का नाम भी सामने आता है, क्योंकि ये दोनों ही ऐसे नेता हैं जो अलग अलग पार्टियों से हैं और इनको लेकर भी जो तस्वीर है अभी तक क्लियर नहीं हुई है। जब गोपाल कांडा के बारे में जब बातचीत की गई तो उनका यही कहना था कि गोपाल कांडा ने मुलाकात तो सीएम से की है, लेकिन अब उनका जो समर्थन है वो एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, इसको लेकर आज शाम को सीएम की केंद्रीय मंत्रियों के साथ एक बैठक होगी, केंद्रीय नेताओं के साथ बैठक होगी और उसमें आगे का जो डिसीजन है वो लिया जाएगा कि सरकार किसके साथ मिलकर बनानी है, निर्दलियों के साथ ही रहना है या जेजेपी के साथ भी आगे बातचीत। बैठकों का दौर मनीषा फिलहाल हर दल में जारी है। बहरहाल आप दोनों ही बने रहिए हमारे साथ प्रहलाद और मनीषा, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि आज जब दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तब उन्होंने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया था और उसके बाद अब शाम तक ये बड़ी खबर हम सभी के सामने आ रही है। चलिए आपको भी सुनवा देते हैं कि दिल्ली में मनोहर लाल खट्टर ने आज सुबह क्या कुछ कहा, तो सुनवाएंगे आपको। लेकिन बता दें आपको कि राजनीति में अनिश्चितताओं का दौर लगातार जारी है और इससे पहले ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ये साफ कर चुके थे कि बीजेपी सरकार तो बना रही है, क्योंकि जो अन्य निर्दलीय दल है उनका समर्थन पहले ही बीजेपी को मिल चुका था, सभी ने बशर्ते समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया है। हालांकि अब बीजेपी जेजेपी को भी साध रही है, लेकिन अब कांग्रेस एक बार फिर अलग थलग पड़ जाएगी। एक बार फिर सुनाने से पहले आपको मनोहर लाल खट्टर ने क्या कुछ कहा, मनीषा का रुख करेंगे दिल्ली से। मनीषा, जिस तरह से आज सुबह मनोहर लाल खट्टर पहले ही कह चुके थे कि भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनाएगी हरियाणा में, जी हाँ, देखिए जिस तरीके से पहले ही कहा जा चुका है बीजेपी की ओर से कि जो सरकार है उन्हीं की बनी, क्योंकि 40 सीटें आ गई हैं और अगर 6 सीटें बहुमत का आंकड़ा 46 की पूरी सीटों को पार करना है और अगर 6 सीटों की बात कर ली जाए तो वो जो बीजेपी है उसको पता है कि वो आराम से जो है 46 सीटें अपने हक में कर सकती है, यानी कि जो 6 जो निर्दलीय विधायक है उनको अपने साथ मिला सकती है। तो क्योंकि इसमें से अगर निर्दलीय विधायकों की अगर बात कर ली जाए तो 5 इसमें निर्दलीय विधायक ऐसे हैं जो बीजेपी के भी बात नहीं कर रहे और ये वही नेता है जिनको बीजेपी की ओर से टिकट नहीं दिया गया है। सोनी सामंत की बात कर लीजिए, दादरी से वो टिकट चाहते थे लेकिन वहां पर बबीता फोगाट को टिकट दे दिया गया, अब वो जीते हैं। तो किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम इन जो बागी नेताओं हैं या जो अब निर्दलीय विधायक बन चुके हैं उनको नहीं होनी चाहिए। तो पहले से ही आश्वस्त पूरी तरीके से बीजेपी नजर आ रही थी, अब जिस तरीके से बीजेपी का जो भी रुख सामने आया है कि उन्होंने भी जो अपने दरवाजे हैं वो खुले रखे हैं और हालांकि जेजेपी से अगर दिग्विजय चौटाला से जब हमारी बातचीत उनसे यही सवाल किया गया था कि जिस तरीके से बातें निकलकर सामने आ रही थी कि दुष्यंत चौटाला जो है वो डिप्टी सीएम का पद चाह रहे थे, तो उन्होंने यही कहा है कि किसी भी तरीके के पद का उनको लालच नहीं है, लेकिन जो पार्टी उनके साथ मिलकर चलना चाहेगी वो उनके साथ जरूर चलेगी। जी मनीषा, ठीक है, दोबारा आएंगे आपके पास। लेकिन इसी बीच अब आप सभी दर्शकों को ये सुनवा दें कि क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज सुबह दिल्ली में बैठ के पास। शपथ कब लेंगे और बहुत जल्दी आपको बताएंगे, सब बातें आपको बताएंगे, हम सरकार बना रहे हैं, बहुत जल्दी बताएंगे, शपथ कब लेंगे और बहुत जल्दी आपको बताएंगे, सब बातें आपको बताएंगे, हम सरकार बना रहे हैं, शपथ कब होगी। तो चलिए एक बार फिर रुख करेंगे न्यूज रूम से, हमारे संवाददाता प्रहलाद जुड़े हुए हमारे साथ। तो प्रहलाद, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हालांकि ये दावा तो पेश करते हुए नजर आए कि सरकार बना रही है बीजेपी हरियाणा में, लेकिन जब सवाल उनसे पूछा गया गोपाल कांडा को लेकर जो कि एचएलपी के सिरसा से जिताऊ उम्मीदवार हैं, उनको लेकर मुख्यमंत्री कुछ सवाल का जवाब देते हुए नजर नहीं आए। जी बिल्कुल, जहां एक तरफ गोपाल कांडा द्वारा समर्थन दिया जा रहा है बीजेपी के, तो बीजेपी के ही दिग्गज नेता जो केंद्र में बैठे हैं या उमा भारती जो नेता है उनका विरोध करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि साफ छवि वाला अगर कोई विधायक होता तो उनको पार्टी में अपना लिया जाता, लेकिन गोपाल कांडा पर ऑलरेडी मुकदमे चल रहे हैं, 2 मामले चल रहे हैं मर्डर को लेकर, तो कहीं ना कहीं गोपाल कांडा के समर्थन को लेकर विरोध जो देखने को मिल रहा है बीजेपी में और कई
बीजेपी के नेता भी गोपाल कांडा का समर्थन लेने से इनकार कर रहे हैं। अगर ओवरऑल बात की जाए तो गोपाल कांडा तो समर्थन दे रहे हैं लेकिन बीजेपी उनका समर्थन कभी नहीं कर रही है। सो साफ तौर पर अगर हरियाणा की राजनीति के बारे में देखा जाए तो ओवरऑल जितने भी जो कैंडिडेट हैं आजाद विधायक हैं उनका समर्थन जो है बीजेपी को जा रहा है और बीजेपी ने उनका समर्थन भी ले लिया और अपनी सरकार भी बनाने जा रहे हैं। कई तरीके के मायने जो जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन को लेकर भी देखे जा रहे हैं। जिस तरह से उनका कहना है कि सरकार में रहकर जो काम वो करवा सकते हैं या जो वायदे उन्होंने किए थे वो पूरे हो सकते हैं सरकार में रहकर, ना कि ओपोजिशन में रहकर। इसी तरह अगर कांग्रेस की बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ये कह चुके हैं, थोड़ी देर पहले ही उनसे जब बात हुई थी तो उनका कहना था कि जो भी शर्तें जेजेपी उनके पास लेकर आते हैं या रखते हैं उनके आगे तो वो सारी शर्तें कबूल कर लेंगे। ऐसे में अब जेजेपी जो अपना समर्थन, क्योंकि इससे पहले जब दुष्यंत चौटाला अपने पिता अजय वहां पर उनकी काफी लंबी बात हुई थी तो वहां पर से ये सारी जो सिचुएशन है ये खत्म होती हुई नजर आ रही है अब, और जेजेपी और बीजेपी जो हरियाणा में मिलकर सरकार बना रहे हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि कल जो विधायक दल की बैठक होने वाली है चंडीगढ़ में उसमें क्या डिसीजन लिया जा सकता है, क्योंकि माना ये जा रहा है कि कल मुख्यमंत्री मानी जा रही है ये विधायक दल की होने वाली बैठक, और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर हम तक पहुंची थी कि कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर शपथ भी ले सकते हैं मुख्यमंत्री पद की। तो बहरहाल मनीषा, एक और जहां जो निर्दलीय विधायक बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं वहीं अब बीजेपी के दिग्गज नेता उन विधायकों का विरोध भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से जेजेपी ने जब किंग मेकर की भूमिका में थी कल जेजेपी, तो कई सारी शर्तें रखी गई थी, मुख्यमंत्री पद की भी मांग की गई थी, लेकिन हालांकि अब जो खबर हमारे सामने आ रही है उसमें डिप्टी सीएम के पद से संतोष करना पड़ा है जेजेपी को। अगर जेजेपी ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब उनकी ओर से स्टैंड ये क्लियर करने की कोशिश की गई थी कि उनको पद का किसी भी तरीके से लालच नहीं है, लेकिन अब जेजेपी को भी पता है कि 10 सीटें अगर उसके पास आई है महज कुछ ही दिनों पहले, कुछ महीनों पहले बनी हुई पार्टी की ओर से, तो ये उससे कहीं ना कहीं बीजेपी उत्साहित भी है। और अगर बात बीजेपी की कर ली जाए तो बीजेपी को सीटें चाहिए ही चाहिए, हालांकि बीजेपी की ओर से ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि निर्दलीय विधायकों की ओर से वो संतुष्ट है, लेकिन अगर बात आगे की जाए तो कहीं ना कहीं आज जो बैठक होगी, क्योंकि अब बीजेपी की लगातार आज दिन भर बैठकें चली हैं और आज शाम को भी जो बैठक होने वाली है उसमें ये चीज अहम निकल कर आने वाली है कि अब जेजेपी को लेकर बीजेपी का स्टैंड क्या कुछ रहने वाला है। सीएम मनोहर लाल की ओर से जब बातचीत की गई थी तो उनकी ओर से यही कहा गया था कि आज शाम को दिल्ली में एक अहम बैठक होने वाली है और बैठक के बाद, इस बैठक के बाद पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि शपथ कब लेनी है, सरकार कब बनानी है और जेजेपी को लेकर क्या कुछ स्टैंड बीजेपी का रहने वाला है। ये बिल्कुल कल होने वाली विधायक दल की बैठक में ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। प्रहलाद, कल माना यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री शपथ भी ले सकते हैं, और जहां तक मंत्रिमंडल विस्तार की बात है वो ये भी कहा जा रहा है कि दीपावली के बाद मंत्रिमंडल जो है नया उसका गठन किया जाएगा। मनोहर लाल खट्टर अब बहुत जल्दी ही, जो ये कहा जा सकता है कि देरी नहीं करना चाहते, और कल बैठक के बाद जो विधायक दल की बैठक के बाद उन राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और हो सकता है कि वहां पर वो मुख्यमंत्री बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लें। ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि दिवाली के बाद ही जो मंत्रालय है, जो मंत्रालयों का विस्तार है वो दिवाली के बाद अनाउंस किया जाएगा, उसकी घोषणा जाएगी। तो जल्द ही जो वादे जो भाजपा द्वारा अपने मैनिफेस्टो में किए गए हैं उनको पूरा करने के लिए वो जल्द ही सत्ता में आना चाहते हैं और जल्द ही वो अपना कुर्सी पर बैठकर जो उन्होंने वादे। जी प्रहलाद, रोकना चाहूंगी आपको, एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है जहां बीजेपी की आज एक अहम बैठक होगी। बता दें आपको कि सरकार बनाने को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी, तो बड़ी खबर इस पक्की। हालांकि देर रात से बैठकों का दौर जारी है और निर्दलीय के साथ गठबंधन को लेकर इस बैठक में खास तौर से चर्चा की जाएगी। और बता दें कि बैठक में अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि अमित शाह आज अपने गुजरात दौरे पर थे लेकिन उसे बीच में ही छोड़कर अब दिल्ली पहुंच चुके हैं अमित शाह। और बता दें कि इस खास बैठक में शामिल होंगे अमित शाह और सरकार बनाने को लेकर जो चर्चाएं वो लगातार की जाएगी। मनीषा, जिस तरह से
स्थिति अगर साफ है तो बड़े बड़े नेता जिस तरह से अमित शाह की बात करें तो गुजरात का दौरा था लेकिन उसे कैंसिल करके बीच में ही छोड़कर वो वापस दिल्ली लौट रहे हैं। खासतौर से हरियाणा में सरकार गठन को लेकर जो उठापटक चल रही है इसमें शामिल होने के लिए और इसे संभालने के लिए। जी हाँ, देखिए जिस तरह की खबरें सामने आ रही है और अमित शाह को गठजोड़ की राजनीति का किंग कहा जाता है क्योंकि अगर दूसरे राज्यों की बात करनी जाए वहां पर भी जब गठजोड़ की राजनीति करनी थी, विधायकों को अपने दल में शामिल करना था या मिलाना था और पार्टी बनानी थी, सरकार बनानी थी, उसको लेकर इस नीति में जो अमित शाह है वो पूरी तरीके से निपुण माने जाते हैं और शायद यही वजह है कि आज जो बैठक होने वाली है उसमें अमित शाह तो रहेंगे और उसके साथ साथ बाकी जो बड़े नेता है, अनिल जैन की अगर बात करनी जाए वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं अब आगे की जो रणनीति है वो बीजेपी को बनानी है। हालांकि ये क्लियर करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की ओर से कि तमाम जो निर्दलीय है वो उनके साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं 46 प्लस होने के बाद भी कहीं ना कहीं जो डर है सत्ता का वो कहीं ना कहीं बीजेपी को सता रहा है। इसको लेकर किसी भी तरीके की जो बयानबाजी है जेजेपी को लेकर वो किसी भी तरीके की क्लियर नहीं की जा रही है बीजेपी की ओर से। तो जो ये दिखाता है कि आज जो बैठक होने वाली है उसमें आगे की रणनीति तमाम जो केंद्रीय नेता है और बीजेपी के हरियाणा के जो नेता है उनकी आपस में सहमति क्या बन पाती है, किस तरीके से निर्दलीय विधायकों को अपने साथ मिलाना है। हालांकि सीएम की ओर से ये क्लियर कहा जा चुका है कि जो तमाम जो निर्दलीय विधायक है उनकी ओर से समर्थन दिया जा चुका है। बिल्कुल मनीषा, प्रहलाद से बात करेंगे। प्रहलाद, हालांकि निर्दलीय विधायकों का समर्थन है बीजेपी के पास, जेजेपी का भी जो समर्थन है वो लगातार मिल ही रहा है जिस तरह से सूत्रों के वाले से खबरें सामने आ रही है, लेकिन इसके बाद भी जो बैठकों का दौर है वो बदस्तूर जा रही है। अमित शाह खास तौर से दिल्ली पहुंच रहे हैं ताकि ये जो गठबंधन की सरकार है, तो हालांकि इससे एक चीज यही निकलकर सामने आती है कि कहीं ना कहीं एक जो डर है सरकार गठन तक वो बीजेपी के मन में बना हुआ है। जी बिल्कुल, चाहे मनोहर लाल खट्टर हरियाणा में अपनी सरकार बनाने का दावा तो कर रहे हैं लेकिन सस्पेंस बरकरार है क्योंकि अगर ये इस बैठक में बीजेपी और जेजेपी की जो बैठक होने जा रही है अगर उसमें कोई सटीक रिजल्ट नहीं निकलता तो कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि कांग्रेस के साथ जेजेपी ना चली जाए। यह भी एक बार देखा जा रहा है कि जिस तरह मर्जी हो जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन हो जाए, तमाम जो नेता है चाहे वो अमित शाह है चाहे वो मनोहर लाल खट्टर हैं चाहे वो केंद्रीय मंत्री हैं, संपर्क जो बनाया जा रहा है एक के बाद एक बैठकें की जा रही हैं किस तरीके से रूपरेखा रहेगी सरकार की उसको लेकर चर्चाएं की जा रही हैं और ये भी माना जा रहा है कि किस कैंडिडेट को किस विधायक को जो कि कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा ये भी एक तरफ से देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और जेजेपी दोनों में अगर गठबंधन होता है तो मंत्रालय का भी बंटवारा होगा कि कौन सा मंत्रालय जो जेजेपी के नेताओं को दिया जाएगा और कौन सा मंत्रालय जो बीजेपी के नेताओं को होगा। और सबसे अहम बात जो देखने को मिल रही है दुष्यंत चौटाला को लेकर कि उन्हें उप मुख्यमंत्री अगर वो पेशकश रखते हैं अपनी उप मुख्यमंत्री की तो क्या बीजेपी सहमत होगी उनसे, ये तमाम बातें जो बैठक में जो विचार चर्चा की जा रही है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी कितनी शर्तें जो जेजेपी की मानती है और कब तक ये स्थिति क्लियर हो जाएगी कि बीजेपी और जेजेपी दोनों में गठबंधन हो गया है और सरकार बनने जा रही है, दोनों की गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल, चलिए प्रहलाद बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीषा आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बहरहाल बात करें अगर राजनीतिक दलों के वोट शेयर की या उनके प्रदर्शन की हरियाणा में तो सभी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। 1.5 साल हुए जेजेपी को बने हुए, इसने भी एक अच्छा प्रदर्शन किया, बीजेपी का भी वोट शेयर बढ़ा, हालांकि कांग्रेस ने भी एक अच्छा प्रदर्शन किया हरियाणा में हुए विधानसभा चुनावों में। तो बात अब ये सामने आती है कि कांग्रेस की कैंपेनिंग मजबूत रही जिस वजह से प्रदर्शन अच्छा रहा। तो द्रविड़ इंडिया न्यूज ने भी बातचीत करने की कोशिश की हरियाणा के कैंपेनिंग मास्टर से जिन्होंने इस पूरी कैंपेन की रचना अच्छी है कि क्या कुछ उसमें शामिल किया गया, किन पॉइंट्स का ध्यान रखा गया जिससे एक अच्छा प्रदर्शन हरियाणा विधानसभा चुनावों में 2014 के मुकाबले देखने को मिला। चुनाव में कौन सी पार्टी किस तरीके से काम करती है और जनता के बीच में किस तरीके से चुनाव प्रचार प्रसार करना होता है ये चीज काफी अहमियत रखती है और इस बार के इलेक्शन में कांग्रेस ने जिस तरीके से उम्मीद से ज्यादा जो सीटें हासिल की हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं श्रेय जो है कांग्रेस के चुनाव प्रचार और प्रसार को जाता है। लोगों के बीच में जाकर सोशल मीडिया पर किस तरीके से कांग्रेस एक्टिव रही थी इसका जो पूरा श्रेय था या कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जो
कांग्रेस का कैंपेन चलाया था वो एक कंपनी को दिया गया था। नरेश अरोड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कंपनी जो डायरेक्ट करते हैं, और इसके साथ साथ इन्होंने किस तरीके से पूरा जो कैंपेन आपने चलाया था कांग्रेस का, किस तरीके से था, कब आपके पास पूरा जो प्लान था कांग्रेस का वो आया था, क्या कुछ रहा? पहली बात तो ये कि जी श्रेय सिर्फ मेरे को नहीं जा सकता, ये कांग्रेस पार्टी की खुद की उनकी जो स्ट्रेटेजी थी, हम तो उसके अंदर जो हमारा जनाद हमारे को जो मैंडेट था उस हिसाब से हमने लगभग एक महीना पहले प्रसार का जो जिम्मा हमारे को दिया गया था, और उसके अंदर हमारे पास डायरेक्ट मैसेजिंग का एक जो मैंडेट था कि हमारे को एक नेगेटिव जो जनता के जो मुद्दे थे जो पार्टी ने डिसाइड किया कि ये मुद्दे लोगों के साथ जुड़े हैं और ये मुद्दे आगे आने चाहिए, वो मुद्दों के बारे में बात की गई जिसमें हमने कैंपेन चलाई, पहले रिपोर्ट फिर वोट। उसके अलावा एक उनका पॉजिटिव एजेंडा था जिसका नाम था इबके कांग्रेस के नाम से उन्होंने मैनिफेस्टो लॉन्च किया जिसके अंदर उन्होंने हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ और उसके बारे में बात की। तो हमारे पास हमारा जो उद्देश्य था या हमारे पास जो हमारा जो स्ट्रेटजी था वो यही था कि हम ये मैसेजिंग लोगों तक पहुंचा पाए, क्योंकि समय का अभाव था। सोशल मीडिया एक बड़ा माध्यम है, सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ चुनाव के और भी जो प्रसार के माध्यम है, चाहे आप लोगों के टीवी चैनल्स हैं, न्यूज पेपर्स हैं, रेडियो है, आउटडोर एडवर्टाइजिंग रहती है, तो इन सबको कैसे कोलेट करके हम एक सिंगल मैसेजिंग कंसोलिडेटेड मैसेजिंग हम लोगों तक पहुंचा पाए। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जहां पे जो चुनावों के रिजल्ट आए हैं जिसके बारे में आपने बात की कि प्रत्याशित कांग्रेस को 31 सीट वहां पे मिली है, तो लोगों तक वो मैसेजिंग पहुंची और उसका लोगों को आज कांग्रेस पार्टी को बेनिफिट हुआ। तो कब कांग्रेस की प्लानिंग आपके पास आई, क्योंकि अगर कांग्रेस की बात अगर हरियाणा में की जाए तो काफी कम समय रह गया था इलेक्शन में, उसके बाद जो तमाम जो फेरबदल थे कांग्रेस में वो देखने को मिले, आपके पास चुनाव से कितने दिन पहले पूरी जो प्लानिंग थी कांग्रेस की वो आई, और इतने कम समय में आपने जो ये सोशल मीडिया के जरिए या पूरा जो एडवर्टीजमेंट जनता के बीच में पहुंचा, इसमें मतलब कैसे कॉम्बिनेशन? हमारे पास एक महीना पहले हमने एग्जैक्ट 21 सितंबर को हमने चुनाव प्रसार शुरू किया था, और समय का अभाव तो निश्चित तौर पे था, अगर समय थोड़ा और रहता तो हो सकता है सीटें कुछ कांग्रेस की और बढ़ती, कुछ नैरो मार्जिन से सीटें हार गए, और उसमें जो हमारे प्रचार की नीति थी वो यही थी कि हमारे को जितना कम समय है उसके अंदर कैसे सेक्शन कंपार्टमेंटलाइज करके हम लोगों तक मैसेजिंग हम लोग को पार्टी की पहुंचा सकें, क्योंकि जब हम जमीन पे गए, हमारी टीमें जब जमीन पे गई तो हमने ये देखा कि लोगों की जो लोकल इश्यूज हैं उन इश्यूज के ऊपर लोगों को काफी रोष था और वो मुद्दे लोगों को मैटर करते थे, तो हमने उस पर काफी फोकस किया कि लोकल इश्यूज के ऊपर ही हम बात करें, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात उन्हीं इश्यूज पे होनी चाहिए जो लोगों को बिजली के बिल की दिक्कत थी, लोगों को अपने लोकल अम्यूनिटीज की दिक्कत थी, लोगों को किसान भाइयों को एमएसपी की दिक्कत थी, इन सब चीजों के ऊपर जो हमने वहां देखा उन्हीं मुद्दों के ऊपर हमने मैसेजिंग अपने कंटेंट क्रिएशन या डिसेमिनेशन की प्रोसेस को हमने चलाया, और कहीं ना कहीं पार्टी को लगता है कि वहां पे फायदा हुआ इस बात का। लोगों की टीम ने काम किया और दिन रात करके किस तरीके से कोऑर्डिनेशन लोग करते थे कि जमीनी स्तर पर लोग जा रहे हैं, उसके बाद सोशल मीडिया पर उसको लेकर आना, न्यूज़पेपर में जो एड्स है वो उसमें देखना, तो किस तरीके से ये पूरा काम? 350 आदमी के आसपास लोग काम कर रहे थे इस प्रोजेक्ट के ऊपर दिन रात, और सोशल मीडिया एक मैंने बताया कि जैसे इंटेग्रल पार्ट रहता है, उसकी रीच सबसे ज्यादा है इस टाइम पे, और हर तरह के लोग उस पर जुड़ते हैं, मध्यम वर्गीय लोग जुड़ते हैं, महिलाएं जुड़ी हैं, युवा जुड़ते हैं उस पर, तो उसमें हमारे को मैसेजिंग सोशल मीडिया पे करना बाकी जो मीडियम से उससे ईजियर था, और मैसेजिंग जितने सेक्शंस के लिए कांग्रेस पार्टी ने कुछ ना कुछ रखा था हमने कोशिश किया कि उन सेक्शंस तक उनका ही मैसेजिंग पहुंच सके ताकि उनको उसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो। बहुत जो लोग हैं उनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता पूरा देखने के लिए, किसी भी अगर कोई भी एड होती है तो बहुत सारी चीजें कम शब्दों में या कम चीजों में किस तरीके से आप समेटते हैं? अब ये तो हमारी क्रिएटिव टीम है जो बैठती है, वो डिसाइड करती है कि किस तरह से हम एक राजनीतिक बात को अराजनीतिक तौर पे भी लोगों तक पहुंचा सके, क्योंकि हर आदमी पॉलिटिकल कंटेंट नहीं देखता और हर आदमी को इंटरेस्ट अपने इंटरेस्ट के साथ है, किसी का इंटरेस्ट पढ़ाई में है, किसी का खेलों में है, किसी का फैशन इंडस्ट्री में है, तो हमारा इनिशिएटिव या कोशिश यही रहती है कि लोगों को पॉलिटिकल मैसेजिंग अपॉलिटिकल तौर पे भी पहुंचाई जा सके और लोगों को पता चले कि हम हमारे जो पार्टी जिस पार्टी के लिए भी हम काम कर रहे हैं वो उनके बारे में क्या सोचती है, उनके बारे में क्या विजन रखती है, और वो बात अगर लोगों तक पहुंचती है, लोग अगर लाइक करते हैं, लोगों को उसके साथ सपोर्ट जुड़ती है, तो उसी से आगे जाके वो सपोर्ट वोट में क्रिएट होती है।
तो ये थे हमारे साथ नरेश अरोड़ा जी, जिन्होंने बताया कि तमाम जो कैंपेन कांग्रेस का चला था वो किस तरीके से चलाया गया, लोगों के बीच में जाया गया कंपनी की साइड से, और लोगों की समस्या को जानकर सोशल मीडिया से लेकर लोगों के जो समस्या है वो हर जगह तक पहुंचाने के लिए लोगों को क्या क्या चाहिए उसको कांग्रेस के लिए किस तरीके से पॉजिटिव बनाया गया, जिसका कहीं ना कहीं रिजल्ट इस बार के विधानसभा इलेक्शन में कांग्रेस को मिला है। दिल्ली से कैमरा पर्सन मयंक के साथ मनीषा यादव की रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। और रुकते हैं बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक के लिए।